अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आज मैं डॉक्टर समर आसिम आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसके लिए हमने जो हमारे ओपीडी ऑनलाइन के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अज़हर नसीम को मदद किया है। डॉक्टर अज़हर नसीम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं आई नो, और इसका मतलब है गुर्दों के स्पेशलिस्ट। दरअसल गुर्दों की खराबी की एक बहुत बड़ी वजह ब्लड प्रेशर है, इसीलिए डॉक्टर अज़हर के पास बहुत सारे मरीज ब्लड प्रेशर की वजह से आते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो कि खासतौर पर गुर्दे पे हो जाए उस तक आते हैं। उस वक्त पे डॉक्टर अज़हर का ये बहुत दिल चाहता है कि लोग अपना ज्यादा ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसका ख्याल रखें। उन्हें बहुत सारा वक्त इसमें काउंसलिंग में गुजारना पड़ता है ताकि लोग जो है ब्लड प्रेशर को समझें और उसका ख्याल रखें। इसीलिए हमें इस जरूरत को महसूस करते हुए आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं और ये है ब्लड प्रेशर पे या हाइपरटेंशन पे। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अज़हर नसीम। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप एक बार फिर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर अज़हर आइए ब्लड प्रेशर बनाते हैं। आपके क्लिनिक में ब्लड प्रेशर के मरीज की तकरीबन कितने आते हैं, यानी कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो आपके मरीजों में ब्लड प्रेशर के मरीज कितने होते हैं शराब वाइज? देखिए हमारी क्लिनिकल लाइफ में ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा है। इन द एक मुकादमे के मुताबिक परसेंटेज के हवाले से आपने पूछा है तो 70-80% जो पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव होते हैं, कि उनको बाकी बीमारियों के साथ जैसा शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का एलिमेंट भी चल रहा होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर एक कॉमन फैक्टर है गुर्दे की बीमारी के लिए, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है गुर्दे की बीमारी से। तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर से टारगेट क्या है, किस रेंज में ब्लड प्रेशर रहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स को जिसमें दिल दिमाग और गुर्दे शामिल हैं। जी, और असर इसी वजह से मुझे ये बहुत होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी मुझे कभी कभी ब्लड प्रेशर होता है या बस ये थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। अब ये थोड़ा बहुत और ज्यादा ब्लड प्रेशर क्या चीज होती है, किस लेवल कब हम डायग्नोज करते हैं कि किसी मरीज को ब्लड प्रेशर का मर्ज अब लाहक हो गया है, प्लीज इसे डिफाइन कर दें। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है तो वो कहते हैं नहीं हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, कभी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं हुआ। तो लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कभी आपने चेक करवाया या पिछले उनका रिकॉर्ड निकालते हैं तो ब्लड प्रेशर उसमें किसी में 130-140 निकल आता है। उसके बाद वो कहते हैं जी कभी कभी ब्लड प्रेशर हमें होता है तो वो ज्यादा नहीं बस 140-150 होता है, वो एक दफा दवाई खा देते हैं उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट बहुत हाई रिस्क पेशेंट होते हैं कि जिनको ये एहसास भी ना हो कि मुझे ब्लड प्रेशर है उसकी वो दवाई भी इस्तेमाल ना करें और उनको जो है फ्रीक्वेंट इस तरह के अटैक्स होते हैं, एपिसोड्स आती हैं हाई ब्लड प्रेशर के, इससे फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान का खतरा मिलता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं उनका समटाइम्स ब्लड प्रेशर जो है फर्स्ट टाइम हम चेक करते हैं तो 140-150 होता है। तो उस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होता है कि इस पेशेंट को हमने हाइपरटेंसिव कैसे लेबल करना है, क्योंकि एक टर्म होती है वाइट कोट हाइपरटेंशन। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं क्लिनिक में तो उनको थोड़ी एंजाइटी भी होती है, उनको अपनी बीमारी के बारे में जानने में जुस्तजू भी होती है, किसी का हार्ट रेट पैल्पिटेशन भी हो रही होती है, तो ऐसे मौके पर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट आए और उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो हमने उस वक्त ब्लड प्रेशर लेबल नहीं करना होता है। अच्छा। एक रीडिंग में उसके लिए या तो आप टाइम के गैप एक हफ्ते दो हफ्ते बाद क्लिनिक के ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर ज्यादा आ रहा होता है वो हम उसको मेजर करते हैं। ज्यादातर क्लिनिक का ब्लड प्रेशर रिलायबल तब होता है कि जब पेशेंट पहले से हाइपरटेंसिव हो तो हमें पास रिकॉर्ड आता है, फिर हम चेक करते हैं कि जी इस वक्त ब्लड प्रेशर इतना है, इतना ब्लड प्रेशर है और पेशेंट भी थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है। लेकिन जब पहली दफा ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है तो उसके लिए हमें ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग चाहिए होती है कंटिन्यूस, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ये एक खास किस्म की मॉनिटरिंग हम लगा देते हैं वो 24 आवर्स एम्बुलेटरी जो है ना वो चेक कर रहा होता है। एम्बुलेटरी मतलब? एम्बुलेटरी का मतलब पेशेंट जो पेशेंट अपना काम कर रहा है अपने घर पे है
अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है उसके साथ हम एक डिवाइस लगा देते हैं और वो उसके ब्लड प्रेशर को नोटिफाई कर रहा होता है, जिसे कहते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर। ये हमारे पास मौजूद है? जी हमारे पास मौजूद है एम्बुलेटरी, लेकिन कुछ सेंटर्स में एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर की सहूलत नहीं है, तो उसमें फिर हम होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को जो है प्रेफरेंस देते हैं कि घर में ब्लड प्रेशर को चेक किया जाए। और फिर कुछ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में एक दफा हम एक वीडियो ये भी करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करना है, क्योंकि आम लोग जो हैं, जो हमारा ये मेन फोकस ये है कि आम लोगों को आगाही दें अपने चैनल के थ्रू कि ब्लड प्रेशर चेक के सही चेक होना चाहिए, ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो मॉलेज के पास सही आए। मैं मुख्तसर में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आपने घर में ब्लड प्रेशर चेक करना है तो पेशेंट कूल एंड काम बैठा हो घर में, ये नहीं कि बाहर आया बाहर से अंदर आया तेजी से या वो जा रहा है या एंशियस है या कोई काम है, वो आराम से बैठा हो चेयर पे। इसके अलावा अपने लेग्स भी कोई क्रॉस ना हो और हार्ट लेवल के मुताबिक यानी कि उसके बाजू वगैरह हो और कफ का साइज बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और यूरिन करने के बाद समटाइम्स जो है ना ब्लैडर फुल होता है तो ब्लड प्रेशर तब भी जो है ना वो स्पूरियस किस्म का आ जाता है, ब्लैडर एम्प्टी हो, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और सुकून पुरसुकून राइट। और उसमें भी फिर अगर डिजिटल है तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं कि आपने उसकी भी जो है तीन रीडिंग से लेनी होती है। जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो कैलिब्रेशन के लिए होती है, यूजुअली वो इग्नोर, उसके आप दो मिनट के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, वो आप नोट कर लें, और फिर दो मिनट के बाद आप ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करते हैं, ठीक है, और उसकी भी जो है रीडिंग आप नोट कर लेते हैं और फिर इन आखिरी दो रीडिंग्स का एवरेज ले लेते हैं, तो इस तरह एक्यूरेसी बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर की लेने की। तो ये भी ब्लड प्रेशर का तरीका जो है हमें जरूर आना चाहिए, डिजिटल से कैसे चेक करना है, और अगर नहीं ये फैसिलिटी तो घर के करीब जो भी डॉक्टर मॉलेज हैं उनसे आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और उसका रिकॉर्ड जरूर रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमने डायग्नोज करना है तो हाइपरटेंशन है उसकी कैटेगरी क्या है, माइल्ड है मॉडरेट है सिवियर है। वो कौन सा कट ऑफ है रीडिंग जिसके अगर वो बाकायदगी एक लेवल से ज्यादा आता रहे तो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर है, वो क्या तकरीबन सेफ रीडिंग होती है? जी मैंने लास्ट उसमें बताया था अपनी वीडियो में, एक स्टेज होती है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एक होता है प्री हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन। यूजुअली अगर एक पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर 130 और इन डायबिटिक या और नॉन डायबिटिक में 140 और नीचे वाला जो है 85 उससे ज्यादा रह रहा है तो इट मींस कि आपको ब्लड प्रेशर का जो मर्ज है वो स्टार्ट हो गया है। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको उसको फिर जरूर ऑन बोर्ड रखना चाहिए सारी चीजों को। तो अब अगर बिलफर्ज़ एक किसी मरीज को पता चल गया कि आप जी उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो गया है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या है? मुझे अगर जैसे बिलफर्ज़ हो गया ब्लड प्रेशर तो मेरे लिए किन चीजों का ख्याल करने की जरूरत है, यानी कि दवाई के हवाले से अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक आप जरा प्लीज पहले दवाई पे अगर हम बात करना चाहें। देखिए अगर ब्लड प्रेशर आपका स्टार्ट हो गया है तो आपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने डॉक्टर के साथ क्लोज फॉलोअप में रहना है, आपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड बनाना है और जो वो दवाई देंगे और जो वो एडवाइस करेंगे प्रिकॉशंस उसको जरूर फॉलोअप करना, इग्नोर नहीं करना है, इन शॉर्ट में ये बता रहा हूँ। अब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज मुख्तलिफ क्लासेस की होती है, डॉक्टर को पता है कि जो है हमने ब्लड प्रेशर की कौन सी जो है मेडिसिन देनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि ब्लड प्रेशर के भी आप कह रहे हैं कि उसकी वजूहात के पिलर्स हैं कि किसी को जो है ओवरलोड की वजह से ब्लड प्रेशर है, किसी में हमारे अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस है रास एक्टिवेशन है उसकी वजह से हो जाता है, कुछ लोगों को न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन है, और इसी तरह क्लासेस ऑफ ब्लड प्रेशर भी मेडिसिन की वो डिफरेंट होती है, तो वो दवाई तो आपने बकायदे से खानी ही है, लेकिन उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डाइट आपका लाइफस्टाइल वो भी अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर जो है आपका बेहतर। डॉक्टर सर ये बताइए कि जो ब्लड प्रेशर एक दफा हो जाए तो उन मरीजों को खाने पीने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज स्टार्ट हो गया है
तो वो बहुत केयरफुल रहें रिगार्डिंग उनकी लाइफस्टाइल और डाइट के हवाले से। अब डाइट के हवाले से आपने पूछा है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ज़्यादातर जो है सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो उनके लिए बेहतर है। इसके अलावा मौसमी फल फ्रूट्स वो इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर साथ किसी को जो है वो शुगर भी होती है, तो वो अपने मॉलेज के मुताबिक कि कितनी मिकदार में फ्रूट यूज़ कर सकते हैं वो करें। और इसके अलावा जो है ये जो नमकियात वगैरह है, नमक नमक का इस्तेमाल जो है वो बहुत प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, और इट्स नो वे कि सिर्फ टेस्ट के अलावा उसका उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो हमारी स्टडीज़ हैं या जो गाइडलाइंस हैं, उसमें वो कहते हैं कि जी सोडियम क्लोराइड जो है 5 ग्राम से कम होना चाहिए। 5 ग्राम्स कितना होता फाइव है? ग्राम्स जी आप बिल्कुल पूछ रही हैं, एक मतलब लेमैन को तो हमने यही बताना है कि उसका जो है इसमें भी सोडियम और क्लोराइड हाफ हाफ है, तो उसमें सोडियम जो है लेस देन 2 ग्राम होना चाहिए या 18 मिलीग्राम, यूजली जो एक चुटकी होती है हमारी इस ना या इससे कम, दैट्स इट। पूरे दिन में? पूरे दिन में, पूरे दिन में। ओके ये क्योंकि हमारी जो ज्यादातर सोसाइटी है वो लवर है ब्लड प्रेशर की, और बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिकल के हिसाब से आपको बताऊं कि हमारी एक ब्लड प्रेशर की किस्म होती है, जैसे कहते हैं साल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन, एक होती है साल्ट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट साल्ट रेजिस्टेंट हैं उसमें तो ये नमक का इस्तेमाल जो है इट्स लाइक ए पॉइजन, आप उसका इस्तेमाल बहुत कम करें जितनी रिकमेंडेशंस हैं। इसके अलावा ये तो नमक है, पोटेशियम डाइट हाई होनी चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए। उसमें आपको पता है जो पोटेशियम हाई रिच चीज़ें हैं उसमें फ्रूट्स में भी हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, लेकिन एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर पेशेंट किडनी का है, पहले से गुर्दे का मर्ज है, और उसमें फिर पोटेशियम की मिकदार पहले ही ज़्यादा रह सकती है, या साथ डायबिटिक है तो उसमें हमें पता है RDA4 तो पोटेशियम यूजली ज़्यादा रहता है, तो उसमें फिर आपने केयरफुल रहना है कि कितनी मिकदार में पोटेशियम लेना है। तो सोडियम है, पोटेशियम है, बाकी आप मौसमी फल लें, मौसमी सब्जियां लें। इसके बाद आता है हमारी जो है ये बेकरी की चीज़ें या बाहर फैटी, तो ये नहीं, इसमें जो फैटी चीज़ें हैं आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं यूजली और यंग, तो दे आर फैटी, दे आर बीस, समटाइम्स मोर भी ओबेसिटी इज देयर। आपके फील्ड में भी इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, और उसकी वजह से अल्लाह ताला जो है बेहतर करे कि ऐसे सडन जो है कार्डिक डेथ वाले पेशेंट की रिपोर्ट हो रहे हैं। यूजुअली पेशेंट आर वेरी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन और कार्डिक डिजीजेस के साथ, तो हमें इज्तमाही तौर पे जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ कॉर्नर स्टोन, उसको हमें करना पड़ेगा ताकि जो है आगे ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो वो वहीं पे कंट्रोल में रहे, ज्यादा प्रोग्रेस ना करे, क्योंकि जैसे भी वो बढ़ेगा तो कॉम्प्लिकेशंस पड़ेंगी, गुर्दे की हो, दिल की हो, या जो सी भी है दिमाग की हो उसके हिसाब से। और जिनको नहीं है वो इस लाइफस्टाइल को जरूर एडॉप्ट करें कि अपना मियाना रवि इख्तियार करें, इन शॉर्ट ये अच्छी बात जो आपने कि की। वैसे भी सुन्नत है मियाना रवि जो है ना जी वो आपने करनी है हर चीज में, बेशक वो मीट हो, वो नमक हो, या वेजिटेबल्स हो, अपना आप लाइफस्टाइल उसके हिसाब से करें। तो ये तो हो गई डाइट एडवाइसेस। तो इसके बाद नॉन डाइटी में भी लाइफस्टाइल अगर आप देखें, तो अगर एक बंदा स्मोकर है वो तो आप ज्यादा बेहतर आपकी फील्ड में होते हैं, उस हर चीज बीमारी की जड़, तो उसकी वजह से किडनीज में भी ऐसी हीमोडायनेमिकली मेडिटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप ये समझिए खून का गाढ़ापन भी होना, स्कीमिक मसले आ जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर का जो है मर्ज स्टार्ट होता है, वो ही शुड क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन, शुक्र है हमारी सोसाइटी में अभी अल्कोहल कम है, फिर भी हमारे पास रिपोर्टेड एविडेंस है, तो अल्कोहल का इस्तेमाल जो है जो मेडिकल कहते हैं बहुत कम होना चाहिए। और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपको पता है एक्सरसाइज से तो काफी बीमारियों का हल है। जी तो यूजुअली ये देखा गया है कि अगर आप 30 मिनट्स की सही एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक और जो रिकमेंडेड है 5 डेज ए वीक, जी तो उससे भी ब्लड प्रेशर काफी कंट्रोल होता है। हमारे पास स्टडीज हैं मौजूद हैं कि जो इस तरह की एक्सरसाइज करता है तो उसका
5 to 6 मिलीमीटर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनली वो कम होता है बगैर दवाइयों के। ये दिस इज एड ऑन टू प्रूवन है। इसी तरह चिकनाई के इस्तेमाल कम करने से भी 2 to 3 मिलीमीटर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। और जो भी ये सारी रिकमेंडेशन है इसको फॉलो करें ताकि दवाइयां इफेक्टिव हो जाए। अदरवाइज हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जी दवाइयां हम खा रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। जब हम उनको प्रोब करते हैं उनके हिस्ट्री बैग पे जाते हैं तो दे आर नॉट कंप्लाइंट विद द डाइट एडवाइसेस। वो परहेज नहीं कर रहे होते, उनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता जैसा हमें चाहिए होता है और जिसकी वजह से ये जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। हमारे लिए तो बड़ा आसान है, एक मेडिसिन नहीं तो हम दूसरी ऐड करते हैं चीज, लेकिन पिल बर्डन भी बढ़ेगा, कॉस्ट आपके सामने आजकल कॉस्ट इफेक्टिव। पिल बर्डन जरा समझा दें। पिल बर्डन जो है वो दवाई यही है कि अगर एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो हम एक और ऐड कर लेंगे, फिर आपको दो दवाइयां खानी पड़ जाती हैं पेशेंट्स को, उनके लिए पहले ही खानी मुश्किल हो रही होती है, वो कहते हैं हम तो दो खानी और मुश्किल, दो से नहीं होगा तो 3 पे आ जाएंगे। समटाइम हम इसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मेडिसिन का लेकिन बाजू का वो एप्रोप्रिएट नहीं होता ना काफी होता, तो फिर इसी तरह की सुबह और शाम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग है और फिर ये दवाइयां पिल बर्डन ज्यादा होता है और कॉस्ट भी ज्यादा होती है तो पेशेंट के नॉन कंप्लायंस की तरफ चला जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक चलें, अपना ख्याल रखें, अपना डाइट एडवाइस लाइफस्टाइल रखें और इसका रिकॉर्ड रखें ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है एक हद में रहे जो कंट्रोल हमारे टारगेट्स हैं ताकि मजीद नुकसान ना हो। बिल्कुल डॉक्टर सर, आपने इतनी अहम बातें बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताई हैं। नाज़रीन, असल जड़ ही मसला हमारे लाइफस्टाइल में होता है। कई दफा कई बीमारियां हम ही खींच के अपनी तरफ लाते हैं जब हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है। प्लीज अपना, अपने आसपास, अपने अजीजों का बहुत सारा ख्याल रखें। पूरा माहौल घर में ऐसा बनाए जो कि एक एक्सरसाइज करने वाला, हेल्दी खाने खाने वाला माहौल हो, ताकि बच्चे भी यही देखें, बच्चे भी यही करें और आगे जाके जो ओबेसिटी हो रही है, बच्चों में मोटापा तक पाया जा रहा है, ब्लड प्रेशर छोटी छोटी उम्र में शुरू हो रहा है, ये शुरू ही ना हो, ये हमारे हाथ में है। डॉक्टर अजहर नसीम को मैं इस वक्त थैंक यू करूंगी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जरूरी और बहुत अच्छी तरह से बातें बताई। अभी तक के लिए हमें इजाजत दें डॉक्टर समर आसिफ, मैं हूँ और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शुक्रिया।